वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने बीएनएस की जो सीरीज स्टार्ट की है सीएचओ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम ब्लॉक थर्ड पढ़ेंगे। जो बीएनएस 042 है उसका ब्लॉक थर्ड, बीएनएस 042 में टोटल मिलाकर है जो 7 ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर हम ब्लॉक थर्ड को पढ़ेंगे। और इन ब्लॉक थर्ड में अलग अलग मॉड्यूल्स भी हैं, तो कुल मिला के जो बीएनएस का सिलेबस है ये अच्छा खासा लेंथी सिलेबस है पूरा सीएचओ का, क्योंकि जो इसके ब्लॉक हैं इनको तीन उस पार्ट में डिवाइड किया गया है, बीएनएस 041, 042 एंड बीएनएसएल 43। तो बीएनएस जो 042 है इसमें टोटल हमें 6 ब्लॉक में 28 यूनिट को कवर करनी है। इसके पहले हम बीएनएस 041 के जो 5 ब्लॉक में से 4 ब्लॉक हैं जो पढ़ चुके हैं, ये बीएनएस 042 का ब्लॉक नंबर थर्ड है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो जो ब्लॉक नंबर थर्ड है इसमें 5 से 6 यूनिट हैं, तो इस यूनिट में हमें ब्लॉक थर्ड की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलेसेंट हेल्थ वाली यूनिट है, इसमें जो यूनिट रहेंगी वो स्पेशली गायनेकोलॉजी को लेके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगी। यहाँ पर एडोलेसेंट हेल्थ को लेके उनके लिए क्या प्रोग्राम बने हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती हैं, सभी पॉइंट्स जो एमसीक्यू बेस्ड में आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये वीडियो एज आ सीएचओ के पास जो ट्रेनिंग पर्पज़ के बस से हिसाब से नहीं है, इसमें जो भी एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर, आप चाहे किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम देते हो, सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम देते हो, उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए जो ब्लॉक थर्ड है बीएनएस 042 की, इसके हम ब्लॉक थर्ड की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट यूनिट इसमें जो यूनिट है उन सभी यूनिट में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन में मार्क्स करे हैं मैंने, पढ़ रही थी क्योंकि पहले इसको, तो यहाँ पर क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट है वो गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, जो फीमेल्स में क्या मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो वो सभी यहाँ पर एज एन एमसीक्यू मिलेंगी। जो यूनिट फर्स्ट है इसमें टोटल 20+ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्या कंडीशन है, बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो मेंस्ट्रुअल कंडीशन है जनरली जो सीवियर पेन और क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं जनरली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय सीवियर एंड फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टाइप ऑफ डिसमेनोरिया, तो डिसमेनोरिया मतलब मेनोरिया मतलब तो क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, राइट, रिया वर्ड है जहाँ पर, दैट मींस यहाँ पर कुछ फ्लो हो रहा है, डिस मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, टाइप ऑफ डिसमेनोरिया आर, तो जनरली डिसमेनोरिया है वो टू टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी डिसमेनोरिया। नेक्स्ट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ डिसमेनोरिया आर, तो जनरली दो सिम्टम्स होते हैं, एक तो पेन और दूसरा है क्रैम्प। तो यहाँ पर मेन सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो वो होंगे पेन कंसनट्रेट इन लोअर एबडोमन, कि जो पेन है लोअर एबडोमन में रहेगा, इन अम्बिलिकल रीजन और सुप्रापुबिक रीजन में होने के साथ साथ ये पेन है जो एबडोमन से रेडिएट होते हुए थाई एंड लोअर बैक तक के पेन रहेगा, तो किसके सिम्टम्स हो गए, डिसमेनोरिया के। नेक्स्ट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है, जब पीरियड्स आने के पहले, ओवुलेशन आने के पहले जो कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर ओवुलेशन के बाद जो कंडीशन होती है, साइकोलॉजिकल फिजिकल मेंटल मूड स्विंग्स होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और ये कंडीशन इवन कब तक रहती है, जब तक पीरियड आकर है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट ना हो जाए तब तक ये कंडीशन रहती है, तो क्या कहलाते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन नाम के टेंशन से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मींस, जो मैंने अभी पहले ही बताया है कि कॉम्बिनेशन है सिंड्रोम, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है किसका, फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल एंड मूड डिस्टर्बेंस, ये किसके कारण होते हैं, जो फीमेल्स वुमेन में ओवुलेशन से लेके जो टिपिकली एंड कब तक होते हैं जनरली, मेंस्ट्रुएशन फ्लो तक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आर,
तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है बहुत सारी फीमेल में देखने को मिलते हैं, वुमेन में देखने को मिलते हैं, तो हम इनको स्टॉप कैसे कर सकते हैं या फिर इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यदि हमारे लिए साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हमें उस माइंड को अपने डाइवर्ट करना होगा। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अपनाना होगा। ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट तक करनी होगी और स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स लेना है जिसमें नमक कम हो बट कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम ज़्यादा हो, मल्टीविटामिन ज़्यादा हो, और कैफीन और चाय इन सभी को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये सभी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसको हम जो PMS है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है, उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी बोथ एंड बी। नेक्स्ट इज वेजाइनल डिस्चार्ज मींस। तो वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, कुछ सीक्रेशन होना कहाँ से, वेजाइना से। तो वेजाइनल सीक्रेशन इज अ सीक्रेशन फ्रॉम वेजाइना एंड दैट कैन वेरी इन कंसिस्टेंसी कलर एंड स्मेल। तो वेजाइनल डिस्चार्ज है क्या है, वेजाइना के थ्रू होने वाला कुछ भी, ऐसे म्यूकस डिस्चार्ज भी हम कह सकते हैं, ब्लड डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, कुछ भी ऐसे डिस्चार्ज होना जिसका फ्लो होना जो जनरली कहाँ से हो, वेजाइना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉज ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। तो ये तो पढ़ लिया हमने कि वेजाइनल डिस्चार्ज है क्या, दूसरा क्या है, कॉज क्या है इसके, किस कारण से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जनरली। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन है जो, इमोशनल स्ट्रेस, ओवुलेशन, यदि इमोशनल स्ट्रेस उस कारण भी हो सकता है, ओवुलेशन के टाइम पर भी होता है, प्रेगनेंसी में भी, ब्रेस्ट फीडिंग, वेजाइनाइटिस मीन्स किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड मेडिसिन के कारण भी, डायबिटीज़ के कारण, PID के कारण, वेजाइनल एट्रॉफी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इन सभी के कारण क्या है जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी बोथ एंड बी। यहाँ पर दो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने बताया कि बोथ आंसर हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है इसी में उन्होंने पूरे पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मींस बाय द मास्टाइटिस, दैट मींस द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी, इन्फेक्शन ऑफ द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन होना कहाँ पर, ब्रेस्ट में, और जनरली ये कंडीशन कब होती है, होती है ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप ऑफ मास्टाइटिस। तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन का होना ब्रेस्ट में कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है जनरली, एक तो परपीरियल मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट फीडिंग के कारण होता है, तो वह किस में आएगा, परपीरियल मास्टाइटिस। और दूसरा है नॉन परपीरियल मास्टाइटिस, इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से रिलेट करता हुआ ना ऐसी कोई कंडीशन हुई हो जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेट हो, लैक्टेशन से रिलेट हो, ये सभी किस में जाएंगे, नॉन परपीरियल मास्टाइटिस में। नेक्स्ट इज इफ़ मास्टाइटिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड एनाफिसिस कैन डेवलप इन। तो यदि मास्टाइटिस की कंडीशन हुई है, इन्फेक्शन हुआ है ब्रेस्ट में, तो उसको अनट्रीट छोड़ा जाए तो एप्सिस का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा ब्रेस्ट टिश्यू में। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट लम्ब्स आर, जो ब्रेस्ट में लम्ब फॉर्मेशन होता है वो क्या है, फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लम्पीनेस एंड यूजुअली डिस्कम्फर्ट वन और बोथ ब्रेस्ट। तो प्लम्पीनेस और जो लम्ब का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण डिस्कम्फर्ट फील होगा, वन ब्रेस्ट और दोनों ब्रेस्ट में कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ लम्पी ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट लम्ब के लिए क्या क्या कॉमन कॉज हो सकते हैं, तो सिस्टाइटिस, मास्टाइटिस या फिर फाइब्रोसाइटिक ब्रेस्ट डिसीज, FBD। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट लम्ब आर। तो ब्रेस्ट लम्ब के क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, एक तो होगा टेंडरनेस, स्वेलिंग, पेन इन द ब्रेस्ट, निपल डिस्चार्ज और इन्फ्लामेशन, इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट, सिस्ट और लम्ब। तो ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाहर ना निकले, तो वहीं पर इकट्ठा होते जाए धीरे धीरे, वो कंडीशन क्या क्रिएट करती है, ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट, या फिर सिस्ट के कारण भी ब्रेस्ट लम्ब का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय द पेल्विक पेन। तो पेल्विक पेन क्या है, गायनेकोलॉजी की कॉमन कंडीशन है जो एक्यूट फॉर्म और इन क्रॉनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, या फिर किसी और डिसीज के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है, तो क्या है, पेल्विक पेन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड टू डायग्नोस एक्यूट पेल्विक पेन। तो यदि सडनली एक्यूट पेल्विक पेन हो रहा है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करवाए जाएंगे, एक तो होगा CBC और हीमोग्राम,
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड कल्चर, और दूसरा होगा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, सोनोग्राफी जो ट्रांसवेजाइनल की जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो एक्यूट पेल्विक पेन को डायग्नोस करने के लिए सभी मेथड हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ क्रॉनिक पेल्विक पेन। क्रॉनिक मतलब कि जो पेल्विक पेन लॉन्ग टाइम से चल रहा है, एक्यूट मीन सडनली स्टार्ट हुआ है, क्रॉनिक मीन लॉन्ग टाइम से चल रहा है कोई भी पेन। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए मेथड तो सभी यूज़ की जाएंगे, बट उनका कॉज क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अपेंडिसाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटिकुलाइटिस, इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस, यूरेथ्रल सिंड्रोम, कैलकुलाई, डायबिटीज एंड हाइपर टेंशन। और नेक्स्ट ऑप्शन है बी डिसीज ऑफ बॉन्स, लिगामेंट्स, मसल्स ऑफ लंबोसैक्रल रीजन, नर्व कंप्रेशन, इंग्वाइनल फीमोरल, पीआईडी एंडोमेट्राइटिस और एडिनोमायोसिस। तो ये जो सभी डिसीज हैं ये पेल्विक पेन का मीन्स लॉन्ग टर्म से यदि कोई भी डिसीज ऐसी हो चल रही है, जो डिसीज है यहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाली डिसीज है क्योंकि सडनली नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर इन कंडीशन के कारण जो पेल्विक पेन होता है तो किस में आएगा, वो आएगा क्रॉनिक पेल्विक पेन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सी, इन सभी के कारण है क्या जो क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पीओपी। पीओपी मीन्स पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, जो पेल्विक के ऑर्गन है वो किसी भी कंडीशन से क्लिनिकल कंडीशन के कारण क्या होना, उनका प्रोलैप्स होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स इज वन कंडीशन, कॉमन क्लिनिकल कंडीशन इन गायनेकोलॉजी स्पेशली अमंग द पर्स वूमेन। तो यहाँ पर पर्स वूमेन का मतलब क्या है, जो लेडीज प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी के जिन्होंने जो बेबी बर्थ दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद वो परपीरियल टाइम में चली जाती हैं, जनरली उन लेडीज़ को परपीरियल पीरियड में कंसीडर किया जाता है। और तो जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं जनरली इसी टाइम पर होते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन जनरली उन्हीं लेडीज़ में देखने को मिलती है जो पेरस वूमेन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पीओपी, तो यूट्राइन प्रोलैप्स और वजाइनल प्रोलैप्स, तो दो टाइप के टाइप हो गए जो प्रोलैप्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन है यहाँ पर, तो दो टाइप हो गए, एक तो वेजाइनल प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, दूसरे यूट्राइन प्रोलैप्स के। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो वो होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के। नेक्स्ट इज साइटोसील। साइटोसील मीन्स फॉर्म्ड बाय लेग्जिटी एंड डिसेंट ऑफ अपर टू थर्ड ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल एंड ब्लैडर विल हर्निएट थ्रू लेग्स एंटीरियर वॉल। तो जो वेजाइनल वॉल है जो कहाँ पर हर्निएट होगी, ब्लैडर में। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, साइटोसील, सॉरी सिस्टोसील। सो गाइस ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एंड एडोलेसेंट हेल्थ की। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे जो 50 क्वेश्चन है नेक्स्ट यूनिट में, इसीलिए मैं उसको सेपरेट वीडियो में आपके लिए बताऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारी जो मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ फैमिली है, बहुत ही जल्दी 1 लाख जो सब्सक्राइबर इस पे होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस पे जुड़े हुए हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।